गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, दोस्तों उपेंद्र जी यादव ने एक ट्वीट सॉरी एक पोस्ट की थी फेसबुक पर। क्या लिखा है पोस्ट में आप यहाँ देख लीजिए। दोस्तों आज उच्च न्यायालय ने भी कह दिया कि भर्ती प्रक्रिया किसी भी प्रकार से नहीं रोकी जा सकती। यदि किसी को जिला आवंटन व विभाग आवंटन को लेकर समस्या है तो वह वेदना विभाग को देंगे और विभाग अभ्यर्थियों की वेदना का निस्तारण करेंगे। 4 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई है दोस्तों। उसके बाद क्या लिखा है, पहले आप सभी जहां भी आपको जिला और विभाग मिला है वहां ज्वाइनिंग करें। यदि समस्या है तो कोर्ट के माध्यम से अपना विभाग एवं जिला आवंटन पर चेंज करवा लेना। और नीचे जिस एडवोकेट ने आज फैसला करवाया है उसका स्क्रीनशॉट डाल दिया है, आप सीधे उनसे बात कर सकते हैं। जिन एडवोकेट ने फैसला करवाया है वो रघुनंदन जी है। तो दोस्तों ये आप सोच लीजिए कि बहुत से बच्चे रिट लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि वैकेंसी में रोक लगाई जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दे दिए हैं कि सभी अभ्यर्थियों को उनकी काउंसलिंग व चयन प्रक्रिया के माध्यम से तुरंत जितना जल्दी हो सके नियुक्ति प्रदान की जाए। दोस्तों धन्यवाद, और आगे भी इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। दोस्तों धन्यवाद।